सो ये हम ऑन द वे कानपुर स्टेशन से मौदाहा जाते हुए ईशुए बागे बैठे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं और ये सबा आराम से सो गई और शोए बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि ये इनोवा वाले भैया के जो गानों की कलेक्शन थी ना वो बिल्कुल शोएब के पसंद की थी तो वो बहुत मज़े ले रहे थे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। ये मैं हूँ बेटी खाला के घर पे और ये सवा भी यहाँ पे उठ के आ गई है। अभी फिलहाल हम दोनों ही हैं क्योंकि आज दादा दादी का फातिहा होना है तो शोएब वहाँ पे है, सारी तैयारियाँ करी। एक्चुअली वो पूरी रात यहाँ नहीं आए, मैं भी सुबह 4 बजे तक वहाँ बैठ के गप्पे मारी थी, बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ पे आग लगी हुई थी और सब लोग बैठ के एक साथ गप्पे मारे थे। तो अब मैं उठी हूँ और अभी हम चाय वाय कुछ बनाएंगे, दोनों कुछ अपना कुछ जुगाड़ करेंगे, कुछ तैयारी करेंगे। खाला तो चले गई है, सब यहाँ पे बता गई है। सब बता गई है, वो अंडे रख गई हैं यहाँ पे, डबल रोटी रख गई हैं, दूध यहाँ रखा हुआ है, सब बता के गई हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ चाय वाय बनाएंगे। एक्चुअली कल मैंने पहुँचने के बाद कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कल क्योंकि मैं बर्थडे प्रेपरेशन में लग गया। मैं कल थोड़े ऐसे आराम मोड में, थोड़े मस्ती मोड में आ गई थी और फिर शोएब ये दोनों बनाए थे तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं एक दिन का गैप देती हूँ। तो आज मैं अपने साथ आपको अपने ससुराल की जितनी हो सके इतनी सैर करवाऊँ। क्या खाना बोलती है खाला इसको? नियामत खाना। नियामत बोलती, मैं नींद में थी, मैंने पूछा भी नहीं वो क्या है, मैंने सोचा क्या होगा। अच्छा, क्या बोल के गई थी? हाँ, नियामत खाना है, पूछा नहीं क्या है, तो मैंने सोचा नीचे बैठे बैठे मैं सारी चीजें विजुलाइज करके सोच रही थी वो क्या हो सकता है। फ्रिज है ना, हमने कहा पहले जमाने का नेचुरल फ्रिज। अब आगे भी यहाँ तो मौसम ऐसा है कि इस वक्त तो कोई टेंशन ही नहीं है, है ना, बिल्कुल चीजें कुछ खराब नहीं। रात की बिरयानी खराब नहीं हुई? नहीं हुई होगी ना, बाहर रखी, पता नहीं कहाँ रखी है। मेरा सुबह आके मैंने वो गज्जा खाई। अच्छा, भूख लग गई थी। हाँ वैसे ही लग रहा है। मेरा ऐसे एक बचपन का सपना पूरा हो रहा है। बचपन में वो फिल्मों में देखते थे ना, हाँ। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं ऐसे किसी गांव वाले किचन में नीचे बैठ के खाना बनाऊं। ये सपना आपने कब से देखा था? एकदम छोटी थी तब से, मैं जब वही घर, और मैं घर घर बहुत खेलती, तो मैं जब भी ना मैं ऐसे ही वहां पे अपना वो छोटा वाला चूल्हा रख के मैं ऐसे ही बैठ के खाना बनाती थी। गुड मॉर्निंग। रात में टाइम लग गई उनको। हमारा भी सपना पूरा होगा आपके हाल का खाना खाने का गांव में। अभी पावर बैंक कौन से सॉकेट में लगाया है, दिख ही नहीं रहा है। जो ऊपर ब्लू बैग था उसमें था। रात में पावर बैंक का कितना वो कहा है, पावर बैंक कहा चला गया। वो प्रतीक अंकित ने याद किया, ब्लू बैग तो नहीं है। मैं फिर मुझे ना वो होता है ना, कभी कभी देखी हुई चीज विजुलाइज हो जाती है तो मेरी आंखों के सामने आ गया कि हाँ वो नीले वाले बैग में लास्ट में जल्दी जल्दी मेरा खाना खराब हो जाएगा। एक्सट्रीम वेदर है ना, ये परंपरा तो है। ओ गिरा फिर से, वाओ। नहीं मैं कैसे छोड़ सकती, थोड़ा सा और दूध डालू ना, थोड़ा। क्या बना रहे हो? चाय। अच्छा भाई को भी नहीं? अच्छा सबक के लिए। हाँ मेरी और सबक। शोएब कहाँ अदरक अदरक वाली, वो आएंगे तो उनकी पूरी दूध की चढ़ेगी। और ये रेडी हो गई हमारी चाय।
ये होता है गांव की छुट्टियों का मजा, उठो मस्त छत पे खाओ पियो ब्रश देखा जाए। मैंने भी नहीं किया। चलिए अभी हम अपना मस्त देसी सा नाश्ता एंजॉय करते हैं। आई होप चाय अच्छी बनी हो, उसके बाद मिलते। शाम के 4:30 हो रहे हैं। फातिया बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ, वो तो आप शोएब के ब्लॉग में डिटेल में देख ही लेंगे। और मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मुझे बहुत अमेजिंग काम मिल गया था। मैं सबके लिए जो है जर्दा सर्व कर रही थी और मैं अकेली नहीं थी, ये देखो। अरे भाभी ने बहुत काम किया, सब लोग यहाँ पे इतना शौक कि इतना ये सब कैसे पूरे कपड़े भी आपने गंदे कर दिए, जबकि फोटो डालनी थी। लेकिन वो ब्रांड भी समझेगा, दाग अच्छे हैं, कुछ दाग अच्छे हैं। और आज मेरी बहुत मदद की हमारी फूफी ने। तो इन सब से भी आप मिले हैं शोएब के ब्लॉग में, लेकिन मैं भी शूट करी थी तो मैंने सोचा मैं भी आपको मिलवा दूं। ये भी हमारी बहू बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है हमारी बहू, खुश मजा आया मेरे साथ। बहुत हो गई है अगले दिन की सुबह और आज कुछ खास करने को नहीं है। अभी हम उठे हैं और ये छत है ना, ये मेरी फेवरेट जगह है मौदाह में। ये बेटी खाला घर है आप सब तो जानते ही, और मेरे लिए मौदाह में ये मेरा मायका है। क्योंकि शादी भी यहीं से हुई थी और हम यहीं रुके थे, और यहाँ इस छत से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत 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 सारी। और आज क्या, आज रिलैक्स, आज आराम, आज कुछ ऐसा नहीं। आज मैं सबसे पहले मेहंदी लगवाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा है। बहुत दिनों से मैं बोल रही हूँ मुझे मेहंदी लगानी, मौका नहीं मिला। मैं सोचा यहाँ आए हैं, चलो यहाँ अच्छी सी मेहंदी लगवाते। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ, तो स्टार्ट कर दी है मेहंदी। और ये अंजलि इनका नाम है, ये मुझे मेहंदी लगा रही हैं फुल भर के ना। एकदम जल्दी जल्दी आ गई है, हमने इनको बोला कि आ जाओ प्लीज, बेटी खाला के पीछे ही रहती हैं ये, तो जल्दी से आ गई और अभी हमने स्टार्ट कर दिया। एकदम फुल भर के मस्त दोनों हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी मैं। मैडम के हाथ में लगी हुई मेहंदी, उनकी ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं, मतलब शूट हम कर रहे हैं, चलो बोलो। बस मेरी मेहंदी हो गई कंप्लीट और बहुत प्यारी सी लगाई है, देखा बहुत प्यारी सी लगाई है। मैंने इंस्टा पे फोटो भी डाल दी, आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। और अभी हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं खेत जाने के लिए। हम तो खेत जा रहे हैं, हाँ मैं ऐसे ही जा रही हूँ क्योंकि अभी ये देखो ये आ गई। अच्छा उसको फोटो खींच ले, तो मेरे पास तो चेंज करने का ऑप्शन नहीं, तो मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी, तो मैं ऐसे ही चलूं। और ये चेंज नहीं करी तो हम भी चेंज नहीं करें, हम भी ऐसे चल रहे हैं इनका बैग हमारे हाथ में। चलो खेत में और भी बहुत मस्ती की, पर इन तीनों के साथ स्पेशली मुझे बहुत मजा आया। मैंने इन्हें बहुत सारा खिलाया और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो कल मुझसे साइज पूछा था पप्पी ने, आज देखो मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियां लेके आई हैं, पहन ही लेती हूँ। अरे थैंक यू, बहुत अच्छी है ये देखो, पहन ले। दोनों में पहन लूँ? हाँ दोनों में पहन लो, बिल्कुल पहन लो। ठीक, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। खुश रहो, सलामत रहो, खुश।
बहुत आई, बहुत अच्छा है, ये मेरा फेवरेट रंग है, मेरे निकाह का भी यही था, याद है? और ये हमारी रात की महफिल दोबारा जम गई थी, और इस बार फरमाइश आई थी मुमानी की शोएब के हाथों की चाय पीनी है, तो शोएब देखिए चाय बना रहे हैं। यस, और चाय बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनी थी, मैं छत पे बैठी हूँ, मुझे ट्रैक्टर जा रहा है, बहुत अमेजिंग बनी थी, सबने बहुत इंजॉय किया, और फिर हम लोग रात में काफी देर तक बैठ के गप्पे मार रहे थे, और अब हो गई है अगले दिन की सुबह, आज वापसी है, आज वापसी है, आज हमें वापस निकलना है। बस ये थे मेरे दो दिन जो मैं अपने नजरिए से थोड़ा थोड़ा आपको अपना ससुराल दिखा पाई, मैंने पूरा नहीं दिखाया है। मैंने इस बार बहुत ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि इस बार मुझे थोड़ा खुल के वक्त मिला कि मैं सबसे थोड़ा ज्यादा इंटरेक्ट कर पाई, सब में और ज्यादा घुल मिल पाई, क्योंकि पहली बार जब हम आए थे तो निकाह के लिए आए थे, और मतलब मेरा पहला टाइम था, तो वो उस वक्त एक थोड़ा कॉन्शियस होना ज्यादा होता है, और ऑब्वियसली मैं दुल्हन थी तो तो सारी रस्में वगैरह बहुत कुछ। लेकिन अभी जैसे जैसे हम आ रहे हैं, वैसे मतलब मैं लोगों से मिल रही हूँ, मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल रहा है, तो एक वो कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो बहुत मजा आया इस बार, बहुत मजा आया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिस काम के लिए हम आए थे, दादा दादी का फातिहा बहुत अच्छे से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उस चीज से हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन एक कमी थी इस बार कि अम्मी नहीं थी, सबने अम्मी को बहुत मिस किया, अम्मी आपको हम सब ने मिस किया, मैंने भी बहुत मिस किया, क्योंकि अगर अम्मी होती तो हर चीज में चार चांद लग जाते, पर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब भी हम नेक्स्ट आएंगे पूरी कोशिश रहेगी कि अम्मी को साथ लेके आए, ताकि और भी ज्यादा मजा आए, और अम्मी के होने से मतलब बात ही कुछ और होगी। सो बस ये ब्लॉग मैं आज यही खत्म कर रही हूँ, आई होप आपको मेरे साथ घूम के भी उतना ही मजा आया हो जितना आपको शोएब के ब्लॉग देख के मजा आया, क्योंकि शोएब के ब्लॉग में आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स हैं, इतने प्यारे कमेंट्स हैं कि गांव बहुत अच्छा है और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, और ब्लॉग्स आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, सो उसके लिए थैंक यू सो मच, हमारे ब्लॉग्स ट्रेंड कर रहे थे उसके लिए भी थैंक यू सो सो मच, एंड यस बस यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितने भी बिजी हो जाओ लाइफ में, कितना भी आगे चले जाओ, जो रूट्स हैं आपकी वहां से हमेशा जुड़े रहना, हमेशा गांव वापस जाना, अपने जो भी आपका नेटिव प्लेस है वहां वापस जाना, वहां से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के बड़े बुजुर्गों की जो दुआएं मिलती है ना, दे आर प्राइसलेस, उनसे ज्यादा आपको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। आप मेहनत करो, लेकिन उनकी दुआओं के साथ जो आपकी मेहनत रंग लाएगी ना, वो कुछ और ही होती है। So on that note, I'm ending the vlog here, guys. I had a very good time, और अभी निकलने की तैयारी करनी है, तो आपसे next vlog में जल्दी मुलाकात होगी. Love you all. Please इस vlog को like कर दीजिएगा, share कर दीजिएगा, और दीपिका की दुनिया को subscribe कर दीजिएगा.